हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आज मैं आपके साथ बहुत इजी बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको बहुत सारे स्पीशीज दे दी जाएँ, बहुत सारी आयंस या न्यूट्रल चीज़ें दे दी जाएँ और उनका आपको साइज अरेंज करना हो, है ना, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, अगर ये स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का पहले मतलब समझते हैं क्या होता है। आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप ये लगा लीजिए इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसी होंगी जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर चाहे उनका चार्ज कुछ भी हो, है ना। ऐसी स्पीशीज का साइज आप कैसे अरेंज करते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल ट्रिक है। आपने क्या करना है, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग बचपन में नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, है ना। नंबर लाइन बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक बीच में जीरो होगा और जीरो के दोनों तरफ प्लस और माइनस साइंस आते हैं। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे माइनस वन है तो यहाँ माइनस टू और यहाँ माइनस थ्री ऐसा अरेंज हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी साइड प्लस वन, प्लस टू और प्लस थ्री अरेंज हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। इस तरफ पॉजिटिव के वैल्यूज बढ़ेंगे, इस तरफ नेगेटिव की वैल्यू बढ़ेंगी, तो इसको नंबर लाइन बोलते हैं, ना। नाउ अब नंबर लाइन पे यहाँ पे क्या रोल है नंबर लाइन का, देखो आपने क्या करना है, जो भी आपको स्पीशीज दी हुई हैं उन्हें आपने नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना है। क्या मतलब है इसका, देखिए अगर आप नंबर लाइन देखें तो नंबर लाइन में नेगेटिव इधर आ रहा है ना, मैंने जो नंबर लाइन ड्रॉ किया है तो माइनस थ्री सबसे पहले आएगा, माइनस थ्री का चार्ज जहाँ पर होगा, तो माइनस थ्री तो फिलहाल कहीं भी नहीं है तो उसको स्किप कर देते हैं। तो अब आ जाते हैं नेगेटिव पे, तो देखिए ओ टू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में सबसे हाई चार्ज का है फिलहाल यहाँ पर, तो सबसे पहले अरेंज करेंगे ओ टू नेगेटिव को, उसके बाद माइनस वन चार्ज को अरेंज करेंगे। तो देखिए माइनस वन चार्ज का यहाँ पर यानी कि माइनस वन, ओके। सिमिलरली आपके पास अब माइनस वन के बाद कोई जीरो चार्ज आ रहा है, तो जीरो चार्ज कहाँ पर है, नियॉन जीरो चार्ज का हो गया। प्लस वन चार्ज सोडियम पे है Na+, प्लस प्लस टू चार्ज मैग्नीशियम पे है और प्लस थ्री चार्ज एल्यूमिनियम पे। जैसे नंबर लाइन आप ड्रॉ करते हैं वैसे आपने अपने आयन्स अरेंज कर लिए, और रूल आपने ये याद रखना है कि जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे एक बार अरेंज करने के बाद, तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, द साइज डिक्रीज एज यू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड, ओके। नाउ तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा साइज किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन आयन का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इसका, विच मीन्स कि एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव इज द स्मॉलेस्ट साइज बिकॉज इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो आपने कुछ नहीं करना है, जैसे नंबर लाइन बनाना है और अपने आयंस को उस लाइन में अरेंज कर लेना है, और याद क्या रखना है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, जैसे ही आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे साइज डिक्रीज करेगा, एंड दैट्स इट। तो अब एक DIY क्वेश्चन आपको देते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ आया है। तो एक DIY क्वेश्चन है आपके लिए, आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है और देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपने साइज अरेंज करना है इन स्पीशीज का। जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बता देना और मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई और सजेशन हो, कोई और टॉपिक देखना हो तो उसके बारे में बता देना। टिल देन, बाय बाय।